So hello and welcome back everyone in our new video of Minecraft, but taking damage is worth it. तो आज मैंने एक ऐसा एड ऑन डाला है जिसमें जैसे ही मैं डैमेज लेता हूँ वैसे ही यहाँ पे मेरे आसपास के सारे मॉब मर जाएंगे। तो अभी मैं आपको उसका दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा। लेकिन उससे पहले अगर जिसने भी लाइक का बटन नहीं दबाया प्लीज़ क्या कर रहे हो आप, जाओ दबा दो उसे, क्योंकि आपको पता है मेरी वीडियो और लोगों को रिकमेंड होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपका हेल्प मेरे चैनल को ग्रो करेगा। आपने चाहते मेरा चैनल ग्रो, प्लीज़ एक बार लाइक का बटन दबा दो अगर आप चाहते हो मेरा चैनल ग्रो हो। तो यार मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, खाली आपकी ज़रूरत है मुझे, तो हेल्प कर दो एंड सब्सक्राइब का बटन भी दबा लेना अगर सब्सक्राइब नहीं हो। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और आई थिंक सो आज तो एंडर ड्रैगन बीट हो ही जाएगा। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मुझे एक कमांड डालना है, स्लैश फंक्शन, जैसे स्लैश फंक्शन डेथ, जैसे मैं लिखूंगा देखो आ गया यूट्यूब बॉनी 162 और सब्सक्राइब कर सकते हो ये इसको भी बॉनी 162 को। और ये क्या है भाई, ये क्यों टूट रहे हैं ऐसे भाई, ये कर्ज माइनक्राफ्ट कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। वैसे देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड 3 फंक्शन एंट्रीज, तो मतलब अब परफेक्टली वर्क करेगा और इसकी ज़रूरत ही है मुझे। लेकिन जिसकी ज़रूरत है एज ऑलवेज फूड की ज़रूरत है हमें, क्योंकि ये स्टार्टिंग होता है और इसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। ओके सो नाउ लेट्स मेक आवर वुडन टूल्स, नॉट ऑल वुडन टूल्स, जस्ट वुडन पिकैक्स, एंड यहीं पे हमें स्टोन मिल गया। इजी बॉय, आज का तो पूरा इजी होने वाला है, मैं आज इनविंसिबल होऊंगा। मुझे मारेगा जैसे कोई, वैसे मेरे आसपास के रेडियस के मॉब्स मर जाएंगे, तो कह सकते हो इनविंसिबल है और बहुत इजी हो जाएगा आज मेरे लिए। लेट्स सी, आज तो बीट करना ही चाहिए मैं, क्योंकि इतने टाइम से मैं बीट नहीं कर रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि मैं फ़ोन में हूँ, लेकिन आज तो हो ही जाएगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा। एंड यस, एक और बात कि बहुत लोग मेरा पैक मांगते रहते, तो मैं आज दे ही देता हूँ, जिन्हें भी चाहिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके ले सकते हो। एंड ये कोई भी शॉर्टन लिंक नहीं होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं कुछ भी और तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहता, तो आप लोगों के लिए एकदम ईजी होगा, जाओ तुरंत ले लो। सिर्फ मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप मेरे लिए एक बार लाइक ठोक के चले जाते हो ना, बस यार मेरे लिए इतना बहुत होगा अगर ये पैक के लिए भी आप लाइक ठोक देते हो तो। और ये पैक मैं बता दूँ मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ इसमें कुछ अपने डाल दिए जो मैं यूज़ करता हूँ, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने लिए भी अगर आपको चाहिए okay. तो दिस इज़ व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड टेकिंग डैमेज इज वर्थ इट। देखो ये ही कहा था मैंने, कितना कूल है ना, एक ही बार में सब यहाँ पे, आप मुझे कोई टच भी करेगा वैसे मर जाएगा, तो लाइक मुझे नेदर में भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी मैं बिंदास से घूम सकता हूँ। खाली ये है कि मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है, यहाँ तक कि स्केलेटन भी मर जा रहा है, लेकिन आपको उसके रेडियस में होना चाहिए, अगर आप उसके रेडियस में रहोगे तभी वो मरेंगे, अदरवाइज नहीं मरेंगे, तो ये ध्यान रखना है बस। और एंडर ड्रैगन पे भी ये वर्क करता है, तो मुझे एंडर ड्रैगन को एक्चुअल में हराना नहीं है, एक्चुअल में तो मुझे बस उसको जैसे वो पर्च करेगा मुझे उसे डैमेज लेना है बस, एंड देन एवरीथिंग इज डन। और अगर मैं खुद से भी डैमेज लेता हूँ तो भी यहाँ पे ऐसा होता है, वर्क करेगा वो। आयरन छुपा था कूल के पीछे, एंड मेरे पास उतना ही आयरन है जितना मुझे चाहिए, तो मैं जा सकता हूँ नेदर में। और मेन बात तो मुझे डरना भी नहीं है कि मेरे पास आयरन का मतलब कुछ भी आर्मर है कि नहीं, क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, लाइक मैं इनविंसिबल ही हूँ, कोई भी आके मेरे मुझे घेर के मारने की कोशिश करेगा तब वही मर जाएगा। एंड इसी बीच मैंने कुछ खाने भी पका लिए थे, तो हो चुका है मेरा सब डन है, बस मुझे अभी लावा पुल ढूंढना है, जो कि स्ट्रेट नीचे डिग करूँगा तो कहीं मिल सकता है, तो वो खाली देखना है। और मैं थोड़ा फूड ले लेता हूँ, नेदर में काम आ जाएगा अगर फोर्ट्रेस दूर है तो। आई गॉट बकेट, ओके तो अभी मेरे पास एक आयरन बच रहा है, तो मैं उसे शील्ड बनाता हूँ और यहाँ से हम पानी ले लेते ओके और मैं थोड़ा सा वुड लेके शील्ड बना लेता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है। वैसे गाइस ये ना सीड बड़ा तगड़ा है, तो मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ अगर सीड किसी को चाहिए रहेगा तो। तो यहाँ पे देख सकते हो सीड ये, अगर किसी को भी चाहिए रहेगा इस वर्ल्ड का सीड, स्पॉन अच्छा है गाइस देख सकते हो, और अगर किसी को सर्वाइवल करना है उसके लिए भी काफ़ी मस्त सीनरी है पूरा, तो लाइक किसी को भी चाहिए रहेगा सीड तो मैंने दे दिया है। एंड यस मैं अगेन शील्ड भूल रहा था मेरा, लेकिन लगा लिया है। एंड आई रियली गेट डिसअपॉइंटेड इफ आई डोंट गेट व्हाट आई एक्चुअली वांट, तो मिल जाना यार लावा पुल इवेंचुअली, एंड नो लावा पुल सीरियसली अब मुझे भाई कैसे ढूंढूं मैं
मैं जो स्ट्रिप माइन करना होगा क्या लावा पुल ऊपर मिल सकता है, लेकिन मैं उतना रिस्क नहीं लेके मैंने सोचा नीचे तो यूं मिल जाता है। यार तुमने तो पूरा सारा मूड ही खराब कर दिया। 8:01 PM भाई साहब क्या आयरन भर रखा है यहाँ पे, लावा नहीं मिल रहा मुझे आज भाई, लावा नहीं मिल रहा मुझे लग रहा है। ये देखो ये आ गए महाशय, मर जाओ यार तुम, नहीं तुम मुझसे नहीं, मैं आज हल्क बना पड़ा हूँ तो मुझे नहीं छू सकते। ये प्रॉमिसिंग लग रहा है, ये प्रॉमिसिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे होगा क्योंकि वो बड़ा केव है। तो मैं थोड़ा सा आयरन लेता हूँ, आयरन का आर्मर स्टिल बना लेता हूँ मैं, अगर मेरे पास इतने सारे आयरन है। लिटरली देखो मेरे पास 21 है तो मुझे 24 चाहिए होते बनाने के लिए आर्मर। ओके तो मेरे आर्मर बन चुके, लेट्स गो। सारे के सारे पूरा का पूरा मैं आयरन आर्मर रेडी हो चुका हूँ। एंड अभी मैं थोड़ा सा स्वॉर्ड बना लेता हूँ अपने लिए एंड पिकैक्स, और मैं पूरा डन हो चुका हूँ अब नेदर में जाने के लिए। मैं तो पहले से डन हूँ क्योंकि कोई तो खतरा है नहीं, बट स्टिल अभी नेदर में जाना है। मुझे लावा की आवाज़ आ रही है लेकिन मुझे लग रहा है वो लावा का एक ब्लॉक है सिर्फ। ऊ मिल गया, मिल गया जो चाहिए था। यस यस ओके लेट्स गो। अब मेरा काम हो गया, यहाँ पे बहुत सारा लावा लग रहा है। अब तो लावा मिल चुका है, मेहनत बेकार नहीं जाती वैसे। ऊ मैंने अपना स्वॉर्ड फेंक दिया लावा में, नहीं। ओके लेट्स मेक आवर लावा पूल, आई मीन नेदर पोर्टल। लावा पूल क्यों बोल रहा हूँ मैं, लावा पूल तो ऑब्वियसली नहीं बना रहे हम। और ओके डन, ओके लेट्स गो नेदर में चलते हैं। और इसे मैं ब्लॉक कर देता हूँ कि ताकि मैं गलती से भी आके इसके कूद के नीचे ना गिर जाऊँ। ओके गलती से भी पैनिक होके मैं आता हूँ तो मैं नीचे ना गिरूँ। एंड यहाँ पे बेड रखते हैं हमारा, रिस्पॉन पॉइंट सेट करते, थोड़ा सा जगह बना लो यार बहुत कंजेस्टेड है ये एरिया। ओके मैं, ओ नहीं मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, अरे यार इधर गोल्ड गोल्ड मिलेगा क्या माइन करने के लिए? वो देखो वहाँ पे गोल्ड है। ओके लेट्स गो गोल्ड माइन कर लेता हूँ वरना मेरी अभी यहाँ पे लंका लग जाएगी। ऊ क्या वो नेदर फोर्ट्रेस है, मुझे मिल गया, डैम बहुत जल्दी मिल गया। और ये मेरा दिमाग खाना बंद नहीं करेगी जब तक मैं इसे मार के भगाऊँ ना। लेट्स गो जय माता दी, बिल्ड करते फटाक से, बिल्ड करते एंड होप करते कि हम मरे ना, बस हम मरे ना बस, और कुछ चाहिए ही नहीं। ओ मर गई ना, यस। अरे लेकिन मेरे डैमेज से ये लोग मरेंगे और फिर मुझे अटैक करेंगे ये लोग, ये दिक्कत की बात है, ये थोड़ी दिक्कत की बात है। ओके तो मुझे आप स्पॉनर ढूंढना है कैसे भी करके। और वेट भाई डैमेज मत दो तुम, डैमेज मत दो तुम भाई, मैं मरने को हो रहा हूँ भाई, इतना डैमेज अलाउड है? मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम बिंदास दो। वो आपस में लड़ लिए भाई साहब, देखो तगड़ा है भाई, तगड़ा भाई तगड़ा। ये देखो एक ब्लेज रॉड मिल गया मुझे बिना कुछ किए। वेट 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 मत आना मत, तू आना मत, आना मत, आना मत। हाँ पता, मुझे अभी तक स्पॉनर ही नहीं मिल रहा है। और क्या बताऊँ मैं, माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में कोई भी चैनल ले लो हार्ड ही होगा, ये आप लोगों के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ड ही होता है। मैंने देखो कितना ये इजी होना चाहिए बट ये मेरे लिए हार्ड है। ओके मैंने मैनेज कर लिया 9 ब्लेज रॉड निकालने का एंड अब मैं उधर से बाहर भी आ चुका हूँ। तो थोड़ा सा गोल्ड माइन करते और यहाँ से ट्रेड करते, एंडर पर्ल लेते, निकलते। मेरी मानो ये जो फोर्ट्रेस था पास में ज़रूर है लेकिन पूरा भूल भलैया है, और उसमें मुझे मिला ही नहीं स्पॉनर कहाँ है एग्जैक्टली। तो मैंने जो भी कलेक्ट किया वो रैंडमली बीच बीच से बार बार मरते मरते, और मेरे पास सिर्फ 3 अभी पॉक चॉप बचे और उसके बाद मेरा लास्ट खाना है, देन मेरे पास कोई खाना नहीं होगा। तो मुझे फटाफट से यहाँ से करके निकलना होगा और होपफुली वो मुझे एंडर पर्ल दे दे। ओके तो 15 एंडर पर्ल एंड देखते थोड़ा सा एरो मिलता है तो रख लेते, बाकी तो गुड हमारा सब कुछ हो चुका है। और एंडर पर्ल होगा तो वो भी ले लूँगा मैं मुफ्त में। और देखते इनके पास क्या चल रहा है। ओके स्ट्रिंग दे रहा है, बो काम में आएगा बो के लिए, तो स्ट्रिंग ले लेता हूँ। मिल चुका है एंड इसने मुझे आखिरी में मार दिया, वाओ वाओ। और आइटम भी ख़त्म हो जाते हैं, 15 एंडर पर्ल है मेरे पास। एंड लेट्स गो अभी ओवरवर्ल्ड में चलते हैं एंड फटाफटक से अपना एंडर ड्रैगन ख़त्म करते हैं। और मैं क्यों ले रहा हूँ एरो, मैं जबकि एंडर ड्रैगन को मारने वाला हूँ सीधा
एक चुटकी में थैनोस की तरह। ओके तो चलो थोड़े से आई ऑफ एंडर बना लेते हैं फाइनली, क्योंकि अब तो यही काम है हमारा, फाइनली कह सकता हूँ कि चलो काम करते हैं अपना कुछ। और आई ऑफ एंडर कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ गया ये? ओके इस साइड को, इस डायरेक्शन में, लेट्स गो बॉय, फटाफट से ट्रैवल करते हैं। और मेरे पास खाना भी ख़त्म हो गया है, रास्ते में थोड़ा मारते हुए चलूंगा। तो अब तो लगता ही है ये विलेज में ही होगा, क्योंकि पिछली बार भी हमें विलेज में ही मिला था माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन का। हाँ मोस्ट ऑफ द ये विलेज में ही होता है स्ट्रॉन्गहोल्ड, तो हमें मिल चुका है बेसिकली। लेट्स गो चलते अभी सीधा स्ट्रॉन्गहोल्ड में मिलते हैं आपको। मेरा सही में दिमाग ख़राब हो चुका है, इतना टाइम भाई मैं कितना नूब हूँ, सोचो कितना नूब हो सकता हूँ मैं जब इसमें इतना टाइम लगा रहा। और वाटर बकेट साथ में रखते हैं, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये रहा ओहो स्ट्रॉन्ग होल्ड, और हम स्टेयर केस पे। तो मैं पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मेरे पास गाइस एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वरना मैं कर नहीं पाऊंगा एंड। तो मुझे कैसे भी करके खुद से पोर्टल बिल्ड करना होगा, तो मैं क्रिएटिव में जाके पोर्टल बिल्ड करने वाला हूँ यहाँ पे। और ये कोई तरह का चीटिंग नहीं है वैसे, क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ लिया है, सिर्फ मुझे पोर्टल रूम नहीं मिल रहा है आधे घंटे से। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अब यही करते जो करना है हमें। तो हम सिर्फ क्या लेंगे, एंड पोर्टल फ्रेम लेंगे और उसे प्लेस करेंगे। बाकी हमारे पास देख सकते हो एंडर आए है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये मिला नहीं मेरी और कोई दिक्कत नहीं है। वरना मैं उसमें क्या है, उसमें हम लोग वैसे भी जा सकते हैं, सिर्फ ये प्लेस करना था, डन। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे सर्वाइवल में एंड लेट्स गो। एक भी आई ऑफ एंडर नहीं है, क्योंकि हमने ही बनाया ये। और लेट्स हॉप इनटू दिस, फटाफट से ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है मुझे, तो और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं इसके लिए लिटरली। तो एंडर पल लेते हम, और क्या एंडर ड्रैगन मेरे डैमेज से मर जाएगा ऐसे ही? मैं जैसे जैसे नीचे गिरूंगा तो डैमेज पड़ता है मुझे। ओहो बढ़ सकता है ये देखो, अब पूछना मत कि कैसे मरा ये, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कैसे हुआ ये। अब मैं बताता हूँ कैसे हुआ बेसिकली। तो ये देख सकते हो एंडर पल है, और एंडर पल के डैमेज से मैंने तुरंत एंडर ड्रैगन को मार दिया। अच्छा वो पर्च किया हुआ था, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ किसी एंडरमैन की, ऐसे क्लोज टेलीपोर्ट करता हूँ, देखो इसके पास किया और मर गया ये, बिकॉज मुझे डैमेज पड़ा और मेरे डैमेज की वजह से उसे भी डैमेज पड़ा। लाइक सीरियसली डन भाई, इसका अभी ये ले लेते, एग ले लेते कम से कम। ओके एंडर ड्रैगन तुझे तो यूं चुटकियों में मार दिया, तेरा एग ले लेते ड्रैगन एग। एंड आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ठोक देना, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपको करना ही है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब यार, लाइक पता है क्यों करना है, क्योंकि मेरी वीडियो फिर और लोगों को रिकमेंड होगी। और आप नहीं चाहते मेरा चैनल ग्रो, प्लीज़ यार एक बार से लाइक ठोक देना, क्योंकि मेरा चैनल का ग्रोथ थोड़ा सा स्टक हो चुका है, और आप ही लोगों जो मेरी हेल्प कर सकते हो। और वीडियो पसंद आ रहेगी तो ज़रूर से लाइक ठोकना, क्योंकि लिटरली मुझे दो घंटे से ऊपर रिकॉर्डिंग करते हुए हो चुका है, तो समझ सकते हो। तो एक बार के लिए लाइक ठोक देना एंड मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस एज ऑलवेज टेक केयर एंड बाय। एंड हाँ मैं फिर से ये चीज़ भूल रहा था, लेकिन मुझे कमेंट में आके फिर लोग बोलते हैं, तो मैंने एंड कर दिया माइनक्राफ्ट, देख लो। Thank you.